हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम बेसिकली देखने वाले हैं। इसके पहले हमने डीएनए देखा था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और बाकी हमने अपने क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, किसका पॉलीमर होता है, ठीक है, तो वो सब हमने देखा था। डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हमने देखा था, ठीक है। और डीएनए किसने टर्म दिया था डीएनए को, जैसे न्यूक्लिक एसिड किसने टर्म दिया, फिर न्यूक्लिन किसने टर्म दिया, डीएनए को पहले आइडेंटिफाई किसने किया, ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज जो हमें बात करना है वो ये तुम देख रहे हो एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मतलब सर्च करने के लिए, ठीक है। इसका एक प्रूफ दिया गया, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के काम किया, इस पर बहुत लंबा टाइम लग गया, ठीक है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिसर, मिसर ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी की थी और अल्टमैन ने तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड दिया था टर्म, ठीक है। ये इन्होंने काम किया था 1869 में और अल्टमैन ने वो दिया था 1899 में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 1899 में अल्टमैन ने दिया था और न्यूक्लिन 1869 में मिसर ने दिया। एंड द प्रोपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, जैसे न्यूक्लिन और अपना क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कैसे कोई भी कैरेक्टर कैरी होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको मतलब मेंडल ने दे दिया था ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। बट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड। देखो, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने में बहुत लंबा टाइम लग गया, लेकिन जो न्यूक्लिन था और वो था प्रोसेस कि कैसे होता है, प्रिंसिपल्स थे जो सिद्धांत थे इनहेरिटेंस के, कैरेक्टर ट्रांसफर होने के, वो सेम टाइम अप्रॉक्स, क्योंकि मेंडल का जो वर्किंग पीरियड था वो था 1853, ठीक है, 1863 मेंडल ने अपना वो पब्लिश किया 1865 में वर्क, ठीक है। तो देख रहे हो 1869 1865 ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज रीच द मॉलिकुलर लेवल। 1926 तक ये मॉलिकुलर लेवल पे स्टडीज चली गई थी। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय मेंडल, सट्टन, मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल, बट द क्वेश्चन व्हाट मॉलिक्यूल एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैज नॉट बीन आंसर्ड। देखो, इन्होंने हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है इसका पता लगा लिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना पी प्लांट पे काम किया था, पाइसम सटाइवम पे। उसके बाद सट्टन एंड बावरी ने वो दिया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, और इनके एक स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टूटवेंट, उन्होंने जीन फ्रिक्वेंसी का पे काम किया था, जीन मैपिंग, ठीक है। तो इन्होंने काम तो कर लिया था कि क्रोमोसोम्स पे कुछ होता है, सेल डिवाइड करने से पहले वो चीज ऐसी होती है कि जो डिवाइड करती है, बट डीएनए वो चीज होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है, तो ये सब अभी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ठीक है। तो हम अब डीएनए सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमें पता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला जो हमारा केस आता है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, हमारे टोटल तीन केस है। पहला केस है ग्रिफिथ का 1928 में, उसके बाद आता है अवरी मैकलियोड और मैकार्टी का 1933 से 1944 तक, ठीक है। फिर 1952 में दो और साइंटिस्ट आते हैं, मराठा हर्षी एंड चेज, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो यूनिवोकल प्रूफ देते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, याद रखना ये कई बार पूछता है, इन तीनों में से पूछेगा कि यूनि, देखो यहां पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये देखो ये जो है ना यूनि इक्विवोकल अनइक्विवोकल सॉरी अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसको किसने दिया था, तो ग्रिफिथ का भी नाम आएगा, अवरी मैकलियोड और मैकार्टी का भी नाम आएगा, ठीक है, और तुम्हारे हर्षी एंड चेज का भी नाम आएगा। तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा जाएगा हर्षी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल प्रूफ मिला था डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। आओ अब स्टार्टिंग में आते हैं अपने, जो ग्रिफिथ थे 1928 में, ये एक
बैक्टीरिया उस पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो तुम्हारा है वो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। जो ह्यूमंस में भी जो निमोनिया बनता होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। और ह्यूमंस में एक और वो होता है, वो हेमियोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये दो कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया के इन ह्यूमंस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हेमियोफिलिस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा विटनेस ऑफ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया चेंज इट्स फिजिकल फॉर्म। देखो क्या हो रहा था, ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसके दो स्ट्रेंस होते हैं, मतलब दो उसके ग्रुप्स होते हैं ऐसे समझो। तो इन्होंने देखा कि एक रंग बदल रहा है, अपने जो कैरेक्टर्स हैं उसे बदल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक बहुत शांत आदमी है और एक बहुत गुंडा टाइप का आदमी है, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ रिएक्शंस कराने के बाद, जो शांत वाला था वो गुंडे में, मतलब गैंगस्टर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बिहेवियर्स उसके अंदर आ गए। तो ये क्यों आए, इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए। और इसमें जो बैक्टीरिया वाली बात है, स्ट्रेप्टोकोकस के जो बैक्टीरिया थे वो एक दो थे, एक जो था वो बीमारी कर रहा था, दूसरा जो था वो कुछ बीमारी नहीं कर रहा था, नॉर्मल में रह रहा था, ठीक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो बीमारी नहीं कर रहा था वो भी कुछ टाइम के बाद बीमारी करने लगा, ठीक है। तो देखो वेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट सम स्मूथ कॉलोनीज। देखो जो एस वाले होंगे वो तुम्हारे वायरुलेंट होंगे, वायरुलेंट मतलब एस, जो स्मूथ वाले होंगे वो तुम्हारी बीमारी पैदा करेंगे। फाइन अदर्स प्रोड्यूस रफ कॉलोनी, दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, इसी कोट की वजह से बीमारी होती है, ठीक है। वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट हैव म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, ठीक है। माइस इन्फेक्टेड विद एसिट्रेन वायरुलेंट, देखो जो भी माइस था, एस वाला जो था वो इन्फेक्टेड था, मतलब वायरुलेंट था, आर वाला नहीं था, ठीक है। डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डज नॉट डेवलप निमोनिया। तो देखो जैसे ये एस वाला है, ये आर वाला है, तुम बस ऐसे, तुम्हें समझना है सिर्फ, इसमें वो डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये पूछेगा कि कौन सा कौन किस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये पॉलीसेक्राइड, म्यूकस पॉलीसेक्राइड की लेयर है, ये ऐसे तुम समझो ना कि ये जो है वो बीमारी है, ये रेड है ना, तो ये इससे अलर्ट रहना है, एस वाले से अलर्ट रहना। आर वाले में ऐसा कोई ले कोट नहीं था तो वो बीमारी नहीं पैदा कर रही। देखो इन्होंने क्या काम किया, एस स्ट्रेन मतलब एक बीमारी वाले बैक्टीरिया लिया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। बीमारी वाला बैक्टीरिया लिया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, तो जब बीमारी वाला एस स्ट्रेन लेंगे तो बीमारी वाली आएगी बैक्टीरिया, बीमारी वाले आएगा तो निमोनिया कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा तो चूहे को पास तो कोई अपना वो एंटीडोट होता नहीं है, ठीक है, तो वो मर गया। आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन जो ये आर स्ट्रेन है, इसको माइस में इंजेक्ट किया तो वो जिंदा रहा माइस, क्योंकि इसके पास पॉलीसेक्राइड की चेन कोट नहीं था, पॉलीसेक्राइड का कोट नहीं था, तो ये वायरुलेंट नहीं था, मतलब कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा था। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस बैक्टीरिया इंजेक्टेड इन टू माइस डिड नॉट किल व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एंड आर लाइव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइड, मोर ओवर ही रिकॉग्नाइज एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। देखो क्या हुआ, पहले उन्होंने एस स्ट्रेन डाला, चूहा मर गया, फिर आर स्ट्रेन डाला, चूहा जिंदा रह गया, फिर एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। देखो जो प्रोटीन्स होते हैं तुम्हारे पॉलीसेक्राइड, जो भी प्रोटीन्स होता है वो तुम्हारा एबव टेम्परेचर पे 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली प्रोटीन अपने डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं, बट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो प्रोटीन अपने खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने काम किया कि उस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया, वो बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर था और बैक्टीरिया जो था वो मर गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि एस स्ट्रेन वाले, मतलब जिसके पास पॉलीसेक्राइड कोट था, ठीक है, उस मरे हुए बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, ठीक है, उस मरे हुए बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, तो वो क्या हुआ, चूहा मर गया, माइस माइस मर गया, ठीक है, नहीं माइस जिंदा रहा, सॉरी। एस स्ट्रेन में देखो, एस स्ट्रेन नॉर्मल लोगे तो माइस मर जाएगा, आर स्ट्रेन लोगे तो जिंदा रहेगा, एस स्ट्रेन हीट किल्ड लोगे तो भी जिंदा रहेगा, बट एस स्ट्रेन का हीट किल्ड मतलब उसे हीट करके मार दिया गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा करके उसे मार दिया गया, लेकिन
आर स्ट्रेन वाला जिंदा रहा, रफ कॉलोनी वाला जिंदा रहा, जिसके पास वो कोट नहीं था वो जिंदा रहा, जिसके पास कोट था वो मर गया। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब लिया इन्होंने, इसमें उन्होंने वो इसको मरा हुआ डाल दिया और आर स्ट्रेन वाले को जिंदा डाल दिया, ठीक है, ये मरा हुआ है, ये डाई है, हिट किल्ड है और ये लाइव है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसको, अब इसका एक वो मिक्सचर बना लिया इन्होंने, अब इसको माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट मतलब सिरिंज से इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो माइस था वो मर गया, माइस था वो मर गया, कैसे मरा, जो तुम्हारा आर स्ट्रेन वाला था, देखो क्योंकि जो एस स्ट्रेन था ना उसका डीएनए तो ऐसे ही रहेगा ना, कोई अगर डेड बॉडी है, कोई भी अगर सेल है तो उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जिसके पास तुम्हारा पूरा सेट ऑफ डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो तो उसके पास रहेगा ही। तो आर स्ट्रेन क्या कर रहा था, उस बैक्टीरिया को जो एस वाला है, आर वाला एस वाले को खा जा रहा था, ऐसे समझो आर वाला जो है ना वो एस वाले को खा जा रहा था, आर वाला एस वाले को खा जा रहा था, ईट समझने के लिए, आर वाला एस वाले को खा जा रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो एस वाले का डीएनए था वो आर वाले के पास आ जा रहा था। तो इसका जो रिजल्ट कैसे कर रहा था कि जो इसका डीएनए था वो इसके पास आ जा रहा था, ठीक है। यहां पे देखो रफ स्ट्रेन यानी आर वाला वो नॉन वायरुलेंट है, मतलब वो कोई वायरस या इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नॉन वायरुलेंट का मतलब पता है, इन्फेक्शियस, नॉन वायरुलेंट का मतलब नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो रफ स्ट्रेन वाले में अगर इसको उन्होंने किया चूहे में इंजेक्ट, तो चूहा जिंदा है, भाग रहा है खूब, लेकिन स्मूथ वाले को कर दिया, स्मूथ वाले में क्या था, पॉलीसेक्राइड कोट, पॉलीसेक्राइड कोट, तो पॉलीसेक्राइड कोट होने की वजह से जो माउस था वो मर गया, ठीक है। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किया, हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर में वो मर गया एस वाला, तो फिर उसको इंजेक्ट किया इन्होंने, तो चूहा जिंदा रहा, ठीक है। फिर एस वाला जो था, एस वाला पॉलीसेक्राइड वाला, एस स्मूथ कॉलोनी, एस का मतलब है स्मूथ कॉलोनी, स्मूथ क्यों, क्योंकि उसके बाहर पॉलीसेक्राइड की कोट है, ठीक है। तो जब ये आया एस एस वाले के साथ, एस वाला मर गया है, उसके साथ आर वाला जिंदा है, इन्होंने चार किया, पहले आर वाला जिंदा लिया, फिर एस वाला जिंदा लिया, ठीक है। आर वाले जिंदा में वो जिंदा था, एस वाले लाइव में वो मर गया क्योंकि एस वाला इन्फेक्शियस था। फिर एस वाले को उन्होंने हीट किल्ड किया, मतलब टेम्परेचर देके एस वाले बैक्टीरिया को उन्होंने मतलब खत्म कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो उस वाले भी केस में वो माउस जो था वो जिंदा था, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर लिया, एस वाले हीट किल्ड का और आर वाले लाइव बैक्टीरिया का जब उन्होंने मिक्सचर लिया, तो जो चूहा था वो मतलब मर गया। क्यों मरा, मतलब उसकी डेथ क्यों हुई, आई नो मरा मरा बोल रहा हूँ तो अजीब लग रहा है, बट उसकी डेथ क्यों हुई, क्योंकि जो आर वाला था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गया, ठीक है, आर वाला ट्रांसफॉर्म होके एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो वही यहां पे लिखा है, ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कुछ उसके प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, इसके वजह से कुछ कोई ना कोई एक मेथड है जिसके वजह से आर स्ट्रेन वाला हीट किल्ड एस के साथ भी चूहे को मार रहा है। ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। अब वो कैसे मार रहा है, क्योंकि एस स्ट्रेन वाला कुछ तो ऐसा दे रहा है आर स्ट्रेन को जिससे कि आर रफ वाले में स्मूथ कॉलोनी बन रही है, स्मूथ पॉलीसेक्राइड की कोट बन रही है, ठीक है, और वो वायरुलेंट हो जा रहा है, वायरुलेंट हो गया तो निमोनिया कॉज कर दिया, निमोनिया हो गया तो मर गया चूहा। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से हुआ होगा, अभी ग्रिफिथ के टाइम पे हमारे पास डीएनए की कोई जानकारी नहीं थी। हाउ एवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड बाई हिज एक्सपेरिमेंट, इसका बायोकेमिकल मेथड क्या है, मतलब ये केमिकली क्या है, बायोलॉजिकली क्या है, इसका भी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखो अब आए हैं हमारे अवेरी मैकलियोइड एंड मैकआर्टी, ठीक है, अवेरी मैकलियोइड एंड मैकआर्टी, ठीक है, मैकआर्टी,
उन्होंने क्या काम किया है, अब जो सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं, तुम्हें पता होगा सेल के अंदर प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है तुम्हारा, और भी लिपिड शुगर और डीएनए आरएनए प्रोटीन, तो इनको जो खत्म करे एंजाइम, उसके देखो एज जहां भी लगा हो ना, एज एज वो एज नहीं, ये एज ठीक है, डीएनएज ठीक है, तो एज जहां भी लगा उसका मतलब होता है एंजाइम। प्रोटीन है तो प्रोटीएज बोल लो या फिर प्रोटीनेज बोल लो, तो इसका काम होता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को खत्म कर देना, मतलब डिजॉल्व कर लेना। आरएनएज डाल दोगे तो आरएनए को वो डिजॉल्व कर देगा, डीएनएज डाल दोगे तो डीएनए को वो डिजॉल्व कर देगा ठीक है। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड वाला जो एस वाला था, अब ये हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहले क्या किया, चूहे के साथ ग्रिफिथ ने काम किया 1928 में, उन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन जब हम लाइट डाल रहे हैं तो चूहा जिंदा है, एस स्ट्रेन डाल रहे हैं तो चूहा मर गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाल रहे हैं तो चूहा जिंदा है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन लाइव डाल रहे हैं तो चूहा मर गया ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एस स्ट्रेन वाले चूहे से निकल के आर स्ट्रेन वाले में जा रहा है, और आर स्ट्रेन वाला अपने आउटर में कोट बना रहा है पॉलीसेक्राइड का, जो कि वायरुलेंट उसे कर दे रहा है ठीक है। प्रायर टू वर्क ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोइड एंड मैकलिन मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे, इनका वर्किंग पीरियड 11 ईयर का था, 1933 से 1944 तक। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन, इन्होंने सोचा कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे अभी मैंने बताया प्रोटीन आरएनए डीएनए और अपना लिपिड एमाइलेज ये सब ठीक है। दे वर्क ऑन दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बायोकेमिकल नेचर के बारे में नहीं पता लगा पाया ठीक है। तो अब ये तीन साइंटिस्ट मिलकर के बायोकेमिकल नेचर के बारे में पता लगा रहे थे, दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम, और बहुत सारी चीजें उन्होंने हटाया फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल ठीक है। जैसे जो हीट किल्ड था ना एस वाला, मैं सिंपल उसमें बता रहा हूँ कि जो एस स्मूथ कॉलोनी थी, स्मूथ कॉलोनी एस वाली, अब देखो कोई भी सेल है तो इसके पास अपना पूरा कंपोनेंट रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, आरएनए भी रहेगा, डीएनए भी रहेगा, अपना लिपिड भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, शुगर भी रहेगा, और तुम्हारा क्या बोलते हैं बाकी सारी चीजें रहेंगी जो एक सेल में होती है, क्योंकि है तो ये बैक्टीरिया सेल ही ना, बैक्टीरिया की सेल ही तो है। तो जैसे मान लो कि ये है, ये हीट इसे टेम्परेचर देकर के इसे खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, तो इसकी जो बॉडी है वो तो बची रहेगी। तो अब इसमें क्या किया, एक एक करके इसको कई बार लिया गया, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ठीक है, मतलब जब जितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ उतनी बार एक एक बैक्टीरिया या कॉलोनी ली गई ठीक है। अब इसमें पहले प्रोटीन को खत्म किया गया, देखो अब इसमें क्या किया गया, पहले प्रोटीन को खत्म किया गया, प्रोटीन को कैसे खत्म करोगे, प्रोटीनेज या प्रोटीएज मिला के ठीक है। प्रोटीन को खत्म करने का तरीका क्या है, प्रोटीएज उसमें मिला दो, ये बात हो रही है अपनी हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की, याद रखना ये बात किसकी हो रही है, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, इसमें से लिपिड और शुगर निकाल दिया गया है पहले ही बिफोर एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद इसमें प्रोटीनेज मिलाया गया, प्रोटीनेज मिलाया गया, तो प्रोटीनेज मिला दिया तो इससे क्या हुआ कि जो वो सेल है उसके अंदर के सारे प्रोटीन्स डिजॉल्व हो गए, सारे प्रोटीन्स डिजॉल्व हो गए। अब क्या हुआ कि उसमें लाइफ जिंदा, ये लाइफ एस को हम इसको डाई करा करके, एस जो है वो डाई है यानी मर गया है, स्मूथ कॉलोनी मर गई है, आर कॉलोनी जिंदा है, आर कॉलोनी जिंदा है, स्मूथ कॉलोनी मर गई है। तो इन दोनों को जो मिक्सचर कराया गया, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे देख रहे हो, आर आर सेल्स पड़ी, रफ सेल्स पड़ी बैक्टीरिया की, तो ये दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, हीट किल्ड एस वाले और आर वाले मिक्स हो रहे हैं, तो देखा गया कि यहाँ पे जो है वो चूहा मर गया, एस सेल अपियर हो रही है ठीक है, क्योंकि आर वाला एस के कुछ तो खा रहा है, आर वाले के पास एस सेल का कुछ तो आ रहा है ठीक है। फिर आरएनए को काटा गया, मतलब खत्म किया गया, डिजॉल्व किया गया ठीक है। फिर इसमें जो हीट किल्ड एस वाला है उसमें आरएनएज मिलाया गया, ये अलग अलग हो रहा है, अब प्रोटीन भी है डीएनए भी है, नहीं है तो क्या है, आरएनए नहीं है,
तो जब आरएनए नहीं है तो हीट किल्ड एस वाले सेल लिया गया और आर लाइव लिया गया, ठीक है, जिंदा आर रफ कॉलोनी जिंदा ली गई, एस कॉलोनी स्मूथ कॉलोनी मतलब मरा हुआ लिया गया, ठीक है, मतलब जो डेड हो गई थी, हीट किल्ड हो गई थी, ठीक है। तो इसमें भी हुआ कि जो आर वाला था उसके पास कुछ आया जो उसने लिया और अपने चारों तरफ पॉलीसेक्राइड का कोट बनाया, ठीक है। तो इसमें भी जो माउस था वो डेड हो गया, ठीक है, डेड। अब जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो था डीएनए के साथ। इसमें क्या हुआ कि हीट किल्ड एस वाला लिया गया, मतलब एस स्मूथ कॉलोनी को जिसके पास पॉलीसेक्राइड कोट थी, जो वायरुलेंट था, जो इन्फेक्शन कर रहा था, उसे पहले ही खत्म कर दिया गया एस वाले को। अब इसमें किया गया कि डीएनए भी डिजोल्व कर दिया गया, जो एस वाली सेल्स है ना, ये हीट किल्ड एस सेल, इसका डीएनए भी इस वाली एक्सपेरिमेंट में खत्म कर दिया गया। तो अब क्या क्या बचा? अब बचा प्रोटीन, आरएनए और बाकी सारी चीजें बची। नहीं हुआ, नहीं उसमें बचा, उस सेल में क्या नहीं रहा? डीएनए नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें डीएनएज डाल दिया गया। डीएनएज का काम क्या होता है कि वो डीएनए को डिजोल्व कर ले, यानी उसे खत्म कर दे, ठीक है। तो देखो अब ये इसमें डीएनएज डाल दिया गया, अब इसमें कोई डीएनए नहीं बचा, कोई डीएनए नहीं बचा। अब इसमें आर स्ट्रेन की लाइव जो बैक्टीरिया थी उसे डाला गया, ठीक है। तुम्हारा क्या बोलते हैं, एस एल डाई, एस एल मर क्या है, डाई है, फिर इसके पास डीएनए भी नहीं है, इतना याद रखना, क्योंकि डीएनए डाल दिया गया। तो इसमें डीएनए भी नहीं है और तुम्हारा ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। तो जब इसमें आर सेल डाला गया तो इसके पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि डीएनए पहले ही डिजोल्व हो चुका ना, तो इसको खाने को कुछ नहीं मिला। तो खाने को कुछ नहीं मिला तो इसमें एस सेल आई ही नहीं, जो आर वाली बैक्टीरिया थी। तो इसमें जो माउस था वो जिंदा रह गया, समझ रहे हो बात को? देखो प्रोटीन डाला गया, इस वजह से उसमें डीएनए डिजॉल्व नहीं हुआ। प्रोटीनेज डाला गया तो डीएनए डिजॉल्व नहीं हुआ। डीएनए डिजॉल्व नहीं हुआ तो एस वाली बैक्टीरिया में डीएनए उसका था, तो आर वाली बैक्टीरिया को उसका डीएनए मिला एस वाले का। तो एस वाले के डीएनए का काम क्या है? वो पॉलीसेक्राइड बनाना। तो आर वाले बैक्टीरिया में भी वो पॉलीसेक्राइड बन गई और वायरुलेंट हो गई, तो वहां से चूहे को उसने खत्म कर दिया। आरएनए वाले केस में क्या हुआ? आरएनए वाले केस में ये हुआ कि जो तुम्हारा आरएनए था उसे तो डिजॉल्व कर लिया गया, लेकिन डीएनए बचा रहा, प्रोटीन भी बचा रहा, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो क्या बोलते हैं, आर वाले बैक्टीरिया के पास एस वाले का डीएनए अभी भी था, ठीक है, क्योंकि उसका आरएनए खत्म हुआ था एस वाली बैक्टीरिया का, ठीक है। तो आर वाली बैक्टीरिया एस वाले बैक्टीरिया का इसमें भी डीएनए लिया और वायरुलेंट हो गया, वायरुलेंट होकर निमोनिया कॉज कर दिया। लेकिन जब इसमें डीएनएज मिला दिया गया, जब इसमें डीएनएज मिला दिया गया, तब क्या हुआ कि डीएनए ही खत्म हो गया, तो एस वाली बैक्टीरिया के पास अब कोई डीएनए नहीं है, क्योंकि उसका डीएनए डिजोल्व हो चुका है, ठीक है। तो आर वाली बैक्टीरिया को डीएनए नहीं मिला, जब डीएनए नहीं मिला तो इसके पास पॉलीसेक्राइड की कोट नहीं बनी, पॉलीसेक्राइड की कोट नहीं बनी तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसको वायरुलेंट नहीं हुआ, वायरुलेंट नहीं हुआ तो निमोनिया कॉज नहीं किया, निमोनिया कॉज नहीं किया तो वो चूहा जिंदा था। तो वही है कि दे डिस्कवर्ड डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया एंड आर कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकला कि आर जो आर रफ कॉलोनी वाली बैक्टीरिया थी वो बदल रही थी एस वाले में, ठीक है। क्यों बदल रही थी? क्योंकि डीएनए ट्रांसफर हो रहा था मिक्सचर पे बस, या इस वाले केस में सिर्फ ये वाला जो केस है ना, ये वाला, इस वाले केस पे उन्होंने काम किया तीन साइंटिस्ट ने, एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड, ठीक है, इस पे तीनों साइंटिस्ट ने काम किया। ये तीन तो क्लियर था कि अगर रफ लाइव डालोगे तो जिंदा रहेगा, स्मूथ लाइव डालोगे तो मर जाएगा, हीट किल्ड स्मूथ डालोगे तो जिंदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल हम ले रहे थे कॉलोनीज, ठीक है, यहाँ पे हम मिक्सचर का ले रहे थे। तो मिक्सचर में जब हम प्रोटीन डाले तो चूहा मर गया, आरएनएज डाले तो चूहा मर गया, डीएनए वाले में चूहा नहीं मरा और वायरुलेंट वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था ये बायोकेमिकल नेचर। इसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट वाला भी इन्होंने डाला, आरएनएज प्रोटीएज डीएनएज लाइपेज। लाइपेज का क्या होता है? लाइपेज तुम्हारा लिपिड को वो करता है डिजॉल्व, ठीक है।
इतना तुम्हें समझ आ गया। ये तुम्हारा एसिस्टेंट है वायरुलेंट, ये तुम्हारा हीट किल्ड है पहले से ही, हीट किल्ड यहाँ पे देख सकते हो, हीट किल्ड है ठीक है। इसमें आरएनएच डाला इन्होंने तो दोनों स्ट्रेन पाया गया, आर स्ट्रेन भी एसिस्टेंट भी। क्यों? क्योंकि एसिस्टेंट का डीएनए खत्म नहीं हुआ था, डीएनए खत्म नहीं होता तो आर स्ट्रेन में जाएगा। प्रोटीनेज डाला तो दोनों पाया गया, लाइपेज डाला तो भी दोनों स्ट्रेन पाई गई, और कार्बोहाइड्रेट को कार्बेज डाला गया तो भी दोनों पाया गया ठीक है। बट जब डीएनए इन्होंने डाला, डीएनए को डिजोल्व कर दिया, तो एसिस्टेंट का डीएनए ही डिजोल्व हो गया। एसिस्टेंट का डीएनए डिजोल्व हो गया तो आर वाले बैक्टीरिया के पास कुछ आया ही नहीं, तो आर वाले बैक्टीरिया तुम्हारा सिर्फ उसके पास अपना खुद का डीएनए रहा। तो खुद का डीएनए रहेगा तो कहां से वो वायरुलेंट होगा, क्योंकि वो रफ कॉलोनी है ना, रफ कॉलोनी में पॉलीसेक्रेट नहीं होता। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, उसके बाद आरएन डाइजेशन, आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। दो स्टार्टिंग के प्रोटीनेज और आरएनएज से ये कंफर्म हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रोटीन और आरएनए नहीं है। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में बदल जाना, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में बदल जाना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब पता है कि मतलब चेंज हो जाना दूसरे में ठीक है। सजेस्ट दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से हमें एक आइडिया आया कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज कर रहा है, चेंज को कॉज कर रहा है, कॉज मतलब ले आ रहा है ठीक है। दे कंक्लूडेड डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंसेज बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज? ऑब्वियस सी बात है, देखो इन्होंने जो ये अपना रिजल्ट दिया ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही कॉज कर रहा है, मतलब डीएनए की वजह से ही ये सारा चीज हो रहा है। बट पूरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको इस चीज से एग्री नहीं किया। साइंटिस्टों को ना बहुत वो चाहिए होता है हर चीज का एक एक प्रूफ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं माने क्योंकि ये उतना सफिशियंट नहीं था उन लोगों के लिए। यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है डीएनए और डीएनएज में कोई अंतर बताओ। डीएनए जो होता है वो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसे जो डिजोल्व कर दे जो एंजाइम होता है वो तुम्हारा होता है डीएनएज। ये तुम्हारा एंजाइम है और ये तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है ठीक है। अब आते हैं द जेनेटिक मटेरियल डीएनए ठीक है। इसका यूनी इक्वल इक्विवोकल प्रूफ दिया था हर्सी एंड चेज ने, अल्फ्रेड हर्सी एंड मराठा चेज ने 1952 में। ये इस 2023 में क्वेश्चन आया था नीट में। अच्छा नीट से याद आया कि अब एनटीए ने अपना सिलेबस चेंज किया है, उसमें इसी चैप्टर से हमारा लक देखो, अभी हम मॉलिकुलर बेसिस पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर में पहला चेंज है क्लास 12th के, मतलब पहला फर्स्ट चैप्टर तो उन्होंने हटाई दिया रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, इस वाले में दिया है प्रोटीन बायोसिंथेसिस, एक टॉपिक ऐड किया है। वो कुछ नहीं है, अगर तुम ट्रांसलेशन पढ़ लो ना अच्छे से ट्रांसलेशन, तो तुम्हारा प्रोटीन बायोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है। क्यों? प्रोटीन बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि प्रोटीन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, उसी को प्रोटीन बायोसिंथेसिस बोल रहे थे। तो प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से एमआरएनए बना, आरएनए से अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड तुम्हारा आपस में जुड़ जुड़ के प्रोटीन बना दिया। तो उस वाले टॉपिक को तुम ध्यान से पढ़ना ठीक है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस को हम कवर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो सब हम कवर करेंगे ठीक है। विथ वायरसेस दैट इफेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इन्होंने हर्शी एंड चेज ने किस पे काम किया था कि बैक्टीरियोफेज पे काम किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। हमें वायरस और कोरोना वायरस भी इन्फेक्ट करता है, निमोनिया का वायरस भी, निमोनिया का बैक्टीरिया भी वो कर देता है, इनफेक्ट टाइफॉइड का बैक्टीरिया भी कर देता है। तो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाला कोई है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब खा गया ठीक है, इसे याद रखना, बैक्टीरिया को खा गया मतलब वायरस ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। उसके बाद द बैक्टीरियोफेज अटैच टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट एंटर द बैक्टीरियल सेल। कैसे काम करता है? जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इस पे वायरस आया, वायरस अपना कैसे भी किसी भी रूप का होता है वायरस ठीक है, खा
क्राउन इसका हो गया, फिर कुछ और हो गया, ठीक है। तो यहां से उसने अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अपना जेनेटिक मटेरियल वायरस का डीएनए, जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है ना, तो यहाँ पे डीएनए या आरएनए जो भी इसके पास है वो इसने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया में जाकर के इन्फेक्शन पैदा कर देगा, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल क्रिएट विद द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वॉज ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स। तो अब क्या करता है कि जो बैक्टीरिया के डिवाइड होने का जो भी इसका मैकेनिज्म होता है ना बैक्टीरिया का, अब बैक्टीरिया न बना करके अब वो वायरस बनाती है, ठीक है। हर्शी चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड इन बैक्टीरिया। तो अब देखो क्या हुआ, जो वायरस होता है वो तुम्हारा प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर के बना होता है, आरएनए या डीएनए जो भी, अब उसका जेनेटिक मटेरियल होगा उससे मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो अब हर्शी एंड चेज ने ये किया कि अब इसका प्रूफ निकाल लिया उन्होंने, कैसे किया कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, नाम बैक्टीरियोफेज है लेकिन एक्चुअल वो वायरस है, नाम बैक्टीरियोफेज है लेकिन एक्चुअली वो वायरस है। तो अब इन्होंने काम कैसे किया, अब काम देखो, ट्रिक देखो यहाँ पे। प्रोटीन तुम्हारा पता है कि क्या बोलते हैं, उसमें सल्फर पाया जाएगा, यहाँ पे देखो इनका ये जो है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन कैप्सूल, ठीक है, प्रोटीन में तुम्हारा सल्फर पाया जाएगा और डीएनए में तुम्हारा फास्फोरस पाया जाएगा। फास्फोरस कैसे आएगा, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट PO4-, याद आया। तो डीएनए में जो तुम्हारा था वो फास्फोरस था, प्रोटीन में जो था तुम्हारा वो सल्फर था, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, ये देखो ये तुम्हारा है बैक्टीरियोफेज, ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा है बैक्टीरियोफेज, देख रहे हो इसका कैसा बॉडी है, देखने से ही डर लग रहा है। इतना याद रखना, प्रोटीन में पाया जाता है फास्फोरस, या इसमें डीएनए में पाया जाता है फास्फोरस और प्रोटीन में पाया जाता है सल्फर। तो इन्होंने, ये बैक्टीरिया है तुम्हारा ये, अब इन्होंने क्या काम किया कि इसको बैक्टीरियोफेज, ये तुम्हारा वायरस है, अब इसको वायरस से इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराया तो अब वो क्या देगा, ये जो उसका तुम बाहरी कोट देख रहे हो ना, ये वाला ऐसे बेंजीन रिंग के जैसे तुम कुछ देख रहे हो ना, ये तुम्हारा बना होता है वायरस का प्रोटीन से, ये तुम्हारा बना होता है प्रोटीन से, बट इसके अंदर जो है ना, ये अंदर ये तुम्हारा है डीएनए या आरएनए, डीएनए स्लैश आरएनए। तो अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस कैसे डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, मतलब जरूर उसका जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड करेगा, तभी तो वायरस का नंबर बढ़ेगा। सेल डिवीजन पढ़ा है ना, कैरियोकाइनोसिस होता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता है, क्रोमोजोम का नंबर बढ़ता है, तब सेल डिवाइड करती है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे कुछ तो आ रहा है बैक्टीरिया में, यहाँ पे कुछ तो आया बैक्टीरिया के अंदर और कुछ इससे वायरस से गायब हुआ, कुछ बैक्टीरिया के अंदर आया कुछ वायरस से गायब हुआ। तो अब इसके कुछ स्टेप्स थे, जो हर्शी एंड चेज का था ना उसके कुछ स्टेप्स थे, जो हर्शी एंड चेज का जो वो था उसके कुछ स्टेप थे। पहला था इन्फेक्शन, इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज से वायरस है बैक्टीरियोफेज उससे इन्फेक्ट कराया, उसके बाद उसको ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग कैसे होता है, टेस्ट ट्यूब में लिया उसको ऐसे खूब तेज घुमाया, खूब तेज आरपीएम, राउंड पर मिनट आरपीएम 2000 3000 4000 आरपीएम पे उसको खूब घुमाया ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन पता होगा, सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसे जो अपना उसके ऑन द बेसिस ऑफ उसके डेंसिटी के हिसाब से वो अपना अरेंज करते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो क्या हुआ, जो सेल्स इसमें पाई गई हैं, जो सल्फर वाली सेल्स थी, सल्फर वाली सेल, अच्छा S35 जो है तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और फास्फोरस का P32 जो है वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव मतलब ऐसा जिसे हम ट्रेस कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो पाया गया, ये सेल्स थी, सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग मतलब इसे जैसे नमक घोल के रख देते हो ना, नमक पानी में घोल के, तो कुछ टाइम तक उसे रख दो तो
जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर तुम्हारा बच जाएगा पानी पानी, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने किया, ब्लेंड किया इसको, बहुत मिक्स कर दिया, समझो ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। उसके बाद इसे रख दिया गया ताकि वो अपने आप में सेट हो जाए। तो जो उसमें सेल्स पाई गई उसमें कोई भी सल्फर से रिलेटेड कोई भी वो नहीं था। क्या सेल जो सल्फर वाला था ना S-35, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोई भी नहीं आया। क्योंकि क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि जो तुम्हारा सल्फर वाला था वो बाहर ही रह गया, जो सल्फर वाला था वो बाहर ही रह गया। क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, इस वजह से प्रोटीन क्रॉस नहीं किया, प्रोटीन क्रॉस नहीं किया, सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, इस वजह से वो बाहर रह गया, बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ पाया। ये जो बैक्टीरिया है तुम देख रहे हो, ये जो कोट है ये बाहर ही रह गया है, प्रोटीन कोट ये बाहर ही तुम्हारा रह गया है, तो इस वजह से वो अंदर नहीं आ पाया। अंदर नहीं आ पाया तो प्रोटीन तुम्हारा इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाया, इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाया तो बैक्टीरिया को जो ब्लेंड और मिक्स कराया गया तो ये उसकी सेल्स में नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पाएगा, ये सुपर नाइट्रेट में पाएगा, जो ऊपर छन के रह गया था ना उसमें पाया गया। अब बात करते हैं फास्फोरस के साथ क्या है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने फास्फोरस के साथ ऐसे किया कि तुम्हें पता होगा डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। अभी मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड का तीन होता है ना कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट्स, तो फॉस्फेट में पी आता है ना फॉस्फोरस। तो अब इन्होंने फॉस्फोरस के साथ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। कैसे कराया, जो डीएनए था या आरएनए था जो भी था, अरे भाई डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो पॉलीमर होता है वो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, से डीएनए या आरएनए बनते हैं, इतना याद होना चाहिए। तो चाहे वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो, फॉस्फोरस दोनों में पाया जाएगा। तो देखो इसको इन्होंने इन्फेक्ट कराया, तो यहाँ पे वायरस का डीएनए आ गया बैक्टीरिया के अंदर, वायरस का डीएनए आ गया बैक्टीरिया के अंदर। इस बार भी प्रोटीन नहीं आया, इस बार भी प्रोटीन नहीं आया। अब उसको ब्लेंड कराया, मिक्स कराया, और उसको रखने के लिए मतलब ऊपर नीचे अपने हिसाब से, वेट डेंसिटी के हिसाब से उसे मैनेज होने के लिए रख दिया, सेंट्रीफ्यूज करा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो डीएनए था वो सेल्स के अंदर चला गया। ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि सेल्स के अंदर वो मिक्स हो गया डीएनए, ठीक है। भाई यहां पे अगर कुछ आएगा, यहां पे तुम्हारा डीएनए आया, इस डीएनए में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं था, यहाँ पे प्रोटीन जो था सल्फर उसे रेडियो एक्टिव किया गया था, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्ट नहीं हुआ सेल्स में, ठीक है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या, इस वाले केस में किसको रेडियो एक्टिव किया गया था, सल्फर को ना, इस वाले केस में सल्फर को रेडियो एक्टिव किया गया था, तुम्हारा डीएनए का जो फॉस्फोरस था उसे रेडियो एक्टिव नहीं किया गया। इस वाले केस में फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया, प्रोटीन वाले को नहीं किया गया, सल्फर को। तो इस वाले केस में तुम्हारा नॉर्मल वायरस का जो नॉर्मल डीएनए है वो आया, वायरुलेंट नहीं था वो, मतलब कहने का मतलब रेडियो एक्टिव से वो नहीं था, रेडियो एक्टिव उसे लेबल नहीं किया गया था। जबकि फास्फोरस वाले केस में जो हुआ वो हुआ कि इस वाले केस में फास्फोरस भी तुम्हारा फास्फोरस रेडियो एक्टिव था। तो जब ब्लेंडिंग किया गया तो डीएनए टूट टूट करके बैक्टीरिया की सेल्स में चली गई, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो डीएनए तुम्हारा आया बैक्टीरिया की सेल्स में, अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन ये कॉज करेगा, इन्फेक्शन तो वैसे भी कॉज करता है लेकिन यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे डिटेक्ट आसानी से होगा। तो ब्लेंड किया, मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए छोड़ दिया। अब उसकी सेल से जब निकाली गई, क्योंकि डीएनए जो बैक्टीरिया सेल में आया वो तुम्हारा था रेडियो एक्टिव लेबल्ड, डीएनए जब बैक्टीरिया सेल्स के अंदर आया तो वो था तुम्हारा रेडियो एक्टिव लेबल्ड, तो सेल्स में उसके फॉस्फोरस पाया गया। तो इससे ये पता चला कि प्रोटीन तुम्हारा नहीं है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, इससे ये कंफर्म हो गया। और यहाँ पे कोई भी इसके सुपर न्यूट्रिएंट में नहीं पाया गया। अब तुम ऐसे याद रखना, ये तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना याद रखना है सल्फर है, इसके सुपर न्यूट्रिएंट में सल्फर पाया जाएगा, सल्फर के सुपर न्यूट्रिएंट में सल्फर पाया जाएगा, सेल्स में कुछ नहीं पाया जाएगा।
फास्फोरस है तो इसके सेल्स में फास्फोरस पाया जाएगा, इसके सुपर सुपर नाइट्रेट में कुछ नहीं पाया जाएगा। तुम सल्फर वाले को याद रख लेना, सल्फर 35 यूज हुआ था रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो सल्फर वाले में उसके सुपर नाइट्रेट में सल्फर पाया जाएगा। सल्फर वाले रेडियो एक्टिव के सुपर नाइट्रेट में सल्फर पाया जाएगा, वहां कोई फास्फोरस नहीं दिखेगा, प्रोटीन वाले में नहीं दिखेगा। बट जब तुम बात करोगे फास्फोरस की, डीएनए की, तो उसके सेल्स में पाया जाएगा फास्फोरस। इतना बस याद रखना, सेल्स में पाया जाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, और फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है, तो डीएनए तुम्हारे सेल के अंदर जाएगा। देख रहे हो, सम वायरसेस ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। एक चीज, ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए थे, इतना याद रखना। तुम कंफ्यूज मत कर जाना कि दोनों एक ही के साथ हो रहे हैं, ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है। तो एक बार हुआ था सल्फर को रेडियो एक्टिव करके, दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया। यहाँ पे सल्फर को रेडियो एक्टिव किया गया तो वो सेल्स में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि सल्फर पार्ट है प्रोटीन का। प्रोटीन क्या करता है, वायरस के कोट को बनाता है बाहर। तो ये जो वायरस का कोट तुम देख रहे हो ना, इसमें तुम्हारा सल्फर पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, क्योंकि इसका डीएनए, ये जो डीएनए देख रहे हो, ये अंदर आ चुका है अब। तो डीएनए में कोई फास्फोरस रेडियो एक्टिव लेवल नहीं है, तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि वो प्रोटीन कोट तुम्हारा बाहर ही रह गया है। इस वाले केस में क्या हुआ कि इस वाले केस में सल्फर को नहीं वो किया गया, इस वाले केस में फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया। फास्फोरस तुम्हारा डीएनए का पार्ट होता है, तो यहाँ पे डीएनए जब आया इसके अंदर, तो सेल्स के अंदर वो तुम्हारा फास्फोरस रेडियो एक्टिव था। वायरस का जो डीएनए था वो बैक्टीरिया के अंदर गया, तो इसका मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेडियो एक्टिव था, डीएनए आरएनए जो था वो उसके अंदर फास्फोरस था। तो इससे ये पता चला कि जो तुम्हारा डीएनए या आरएनए है वो बैक्टीरिया में वायरस से आ रहा है, ठीक है। तो बाकी कुछ चीजें नहीं ट्रांसफर हो रही है, प्रोटीन भी नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा डीएनए या आरएनए फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो इस केस का, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का ये कहना था, वायरस ग्रो इन ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन नॉट। वही बात है कि डीएनए के पास फास्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन के पास फास्फोरस नहीं होता है। सिमिलरली जो सल्फर पे ग्रो किया गया उसके प्रोटीन में सल्फर पाया गया लेकिन डीएनए में सल्फर नहीं पाया गया। रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट वेयर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर, द वायरस पार्टिकल्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पिनिंग इन देम इन सेंट्रीफ्यूज। तो क्या किया गया, बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई पे इन्फेक्ट कराया गया, जो जैसे मान लो ई कोलाई का बैक्टीरिया है, इस पे तुम्हारा बैक्टीरियोफेज वायरस इस पे आया, इन्फेक्ट किया, तो ऐसे काम हुआ। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेज दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव इंडिकेटिंग द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। देखो, जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव डीएनए यानी फॉस्फोरस से लेवल करके इन्फेक्ट कराया गया, उस बैक्टीरिया के अंदर, जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले डीएनए से इन्फेक्ट कराया गया, उस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया। क्यों पाया गया, क्योंकि डीएनए जो है वो ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव सल्फर से जो लेबल्ड थे, उस बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है और प्रोटीन प्रोटीन कोट बनाता है, प्रोटीन कोट वायरस का बाहर ही रह गया था, डीएनए से ट्रांसफर हुआ था, तो इस वजह से प्रोटीन सेल के अंदर नहीं आया। सेल के अंदर प्रोटीन नहीं आया तो तुम्हारा जो सेल्स थी बैक्टीरिया की, जब उसे ग्रो कराएगा तो उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस केस में सल्फर को रेडियो एक्टिव कराया गया है, सल्फर तुम्हारा प्रोटीन कोट में होता है, तो प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के अंदर आया नहीं तो बाहर ही रह गया, तो उस बैक्टीरिया के सेल्स में कोई भी सल्फर रेडिएटेड नहीं देखने मिला। इस वाले केस में देखो, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पार्ट है डीएनए का, तो यहाँ पे जब इसको इन्फेक्ट कराया गया तो डीएनए के साथ फॉस्फोरस तुम्हारा आ गया, तो फॉस्फोरस जब आया तो सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर फॉस्फोरस पाया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेज आरएनए। अब हम जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है, डीएनए और आरएनए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, सम वायरसेस में आरएनए होता है। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज
इट इज क्लियर क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाज यूनिइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम द हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट. इट बिकम द स्टेबलाइज्ड एज द फैक्ट डीएनए दैट एट केस जेनेटिक मटेरियल. हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम दैट क्लियर इन सम वर्सेस आरएनए जेनेटिक मटेरियल. देखो हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ, ये क्लियरली शो कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कुछ वायरसेज में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ कोई और तीसरा जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता. आरएनए किस किस में होता है? टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और बहुत सारे वायरसेस हैं. Answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material whereas RNA perform dynamic functions such as messenger adapter has to be found from the difference between chemical structure of two nucleic acid molecule. हमने देखा था यहाँ पर पूछ रहा है DNA और RNA के बीच में दो difference. देखो हमने देखा था जब pentose sugar हम देख रहे थे ना DNA का, तो उसमें हमने देखा था कि जो second carbon था वहाँ पे RNA में OH group एक present था but डीएनए में सिर्फ एच था, वहां पे ऑक्सीजन नहीं था. तो वहां से जो ओएच ग्रुप होता है वो हाईली एक्टिव होता है, तो आरएनए को वो और एक्टिव बना रहा था, ठीक है, लेस स्टेबल बना रहा था, जबकि डीएनए में वो नो था, वो नहीं था ओएच ग्रुप, वहां पे एच था, तो वहां पे डी ऑक्सी का ऑक्सीजन का एब्सेंस, ठीक है, तो उससे डीएनए को और स्टेबल बना रहा था वो. डीएनए में सिर्फ एच था, डीएनए में सिर्फ वो था हाइड्रोजन और आरएनए में सिर्फ ओएच था, ठीक है. तो ये जो ओएच है ये तुम्हारा एक्टिव ग्रुप है, तो इस वजह से आरएनए को ये एक्टिव बनाता है. जब कोई ज्यादा एक्टिव होगा, जैसे मान लो कोई ज्यादा एक्टिव है तो वो आराम कम करेगा ना, और कोई आराम कम कर रहा है तो एक्टिव वो है कम है. देखो कोई आराम ज्यादा कर रहा है तो एक्टिव कम है, कोई एक्टिव ज्यादा है तो आराम कम कर रहा है, ठीक है. तो आरएनए एक्टिव ज्यादा है तो आराम कम करता है, स्टेबल कम होता है. डीएनए स्टेबल ज्यादा होता है तो एक्टिव कम होता है, ठीक है. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कुछ जेनेटिक मटेरियल होने का कुछ क्राइटेरिया होता है. पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब उसे रेप्लिकेशन करने आना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन. शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी स्ट्रक्चरली भी, ठीक है. इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड. आरएनए में जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस वजह से वो मोर एक्टिव होता है. डीएनए वहीं पे लेस म्यूटेशन शो करता है और उसमें डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है. यहाँ पे दो के जगह तीन हमारे डिफरेंसेज हुए. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर. मेंडेलियन कैरेक्टर हमने पढ़ा था ना, कि मेंडल के जो कैरेक्टर्स थे, जो उनके लॉज थे, रेशियोज थे, उस हिसाब से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए. इफ वन एग्जाम्पल सच ईच रिक्वायरमेंट बाई वन, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाई वन बिकॉज द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड आर एन एंड डी एन ए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया. देखो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए और डीएनए क्यों करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेल्फ रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता, प्रोटीन भी नहीं कर सकता कोई भी. द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एज विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजी, जब कोई इंसान बीमार पड़े या फिर उसे कोई दिक्कत आए तो उसके साथ चेंज वो ना हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो, मतलब कहने का मतलब है बहुत स्टेबल हो, कम एक्टिव हो. स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने का ये फायदा है कि जब ग्रिफिथ एस वाले स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया को जब हीट किल्ड कर रहे थे तो उसमें जो डीएनए था वो बचा था, वो खत्म नहीं हुआ था. तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि एडवर्स कंडीशन आने पे जेनेटिक मटेरियल वो नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए. दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इज इफ सेपरेटेड बाय गेटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइडेड, ठीक है. तो डीएनए को हीट करो, फिर नॉर्मल जब कंडीशन आए तो डीएनए अपने आप को रेप्लीकेट कर सके, ठीक है. तो ये उसका होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी. दूसरा जो एग्जांपल मैं बता रहा था, फर्दर सेकेंड ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए
इट्स रिएक्टिव ग्रुप, आरएनए में सेकंड पे ओएच ग्रुप होता है जबकि डीएनए में सेकंड पे सिर्फ एच होता है, तो ये इसे आरएनए को लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल बना देता है, क्योंकि इससे ओएच से कोई भी आकर के रिएक्ट करके इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, आरएनए इज आल्सो नोन एज कैटालिटिक हेंस रिएक्टिव, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, किसी भी रिएक्शन को जल्दी करा सकता है, इस वजह से ये रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए, देयरफॉर अमंग टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आरएनए में डीएनए को क्यों चुना गया, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसके सेकंड ग्रुप उसके सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, उसके बाद ये डबल हेलिकल होने की वजह से लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा है ट्रिंटोज शुगर, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एच है जबकि यहाँ पे ओएच भी है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आरएनए राइबोज डीऑक्स राइबोज न्यूक्लिक, यहाँ पे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरोसिल आल्सो कंफर्म एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए एज यू विल स्टडी दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट, कंसीक्वेंटली वायरस हैव आरएनए जीनोम एंड हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट इवॉल्व फास्टर। देखो क्या होता है कि हमने पढ़ा था प्यूरिंस पिरिमिडिन्स, ए जी तुम्हारा प्यूरिंस हो गया और सी टी यू ये तुम्हारा पिरिमिडिन्स हो गया, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन यूरेसिल, तो डीएनए और ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि उसके अंदर थाइमिन पाया गया और ये तुम्हारा आरएनए के अंदर पाया गया, ये एक्टिव है तो इसको और एक्टिव कर दिया आरएनए को। वायरस में आरएनए पाया जाता है, आरएनए जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, अनस्टेबल होने की वजह से आरएनए जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, तो इस वजह से वायरसेस जो होते हैं वो और अपने आप को म्यूटेट करते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, नए कैरेक्टर्स लाना, कोरोना वायरस तुमने सुना होगा कि उसके नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, नई नई वेरायटी आ रही है कोरोना वायरस की, तो क्यों आ रही थी, क्योंकि उसके पास आरएनए था, हमारे पास डीएनए होता है, कोरोना वायरस के पास आरएनए था, इस वजह से वो जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था। तुम सुन रहे थे ना कि अभी एक वायरस का हम वो कर रहे थे खत्म कर रहे थे तो दूसरा उसका वेरियंट आ जा रहा था, वेरायटी आ जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए, अब एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन ही तुम्हारा कुछ भी एक्सप्रेस करता है, डीएनए को अगर कुछ बोलना होता है तो वो प्रोटीन बना के बोलता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए से आरएनए वाला प्रोसेस आरएनए में नहीं होगा, अब आरएनए है तो यहाँ पे डायरेक्ट वो प्रोटीन बना सकता है ना ट्रांसलेशन करके, तो ये जल्दी होता है, तो आरएनए जो होता है अपने कैरेक्टर्स को अपने बात को जल्दी से एक्सप्रेस कर सकता है एज कम्पेयर टू डीएनए, क्योंकि डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए से अपना प्रोटीन बनवाएगा, लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, आरएनए अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। ठीक है, डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए, द अबव डिस्कशन इंडिकेट बोथ आरएनए डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल बट द डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज बेटर। देखो अगर स्टोरेज की बात आई, डीएनए के नॉलेज को स्टोर करने की बात आई, तो वो डीएनए पे होगा, जेनेटिक मटेरियल के नॉलेज को अगर स्टोर करने की बात आई तो वो होगा डीएनए के रूप में, क्यों, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, उसमें म्यूटेशन कम होती है, डीएनए मोर स्टेबल है म्यूटेशन कम होती है। ठीक है, डीएनए मोर स्टेबल है म्यूटेशन कम होती है, इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो डीएनए में ज्यादा स्टोर हो पाएगी, लेकिन अगर ट्रांसफर करना हो इन्फॉर्मेशन को तो वहां पे आरएनए काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो वहां पे वो इजिली वो कर सकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो कर सकता है ट्रांसमिट। यहाँ पे देख सकते हो डीएनए पहले तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, जबकि आरएनए और फिर प्रोटीन बनाएगा, जबकि तुम्हारा ये जो आरएनए है वो डायरेक्ट प्रोटीन बना देगा, तो यहाँ पे तुम समझ रहे हो ना, ये स्टोरेज के लिए काफी है, स्टोरेज के लिए, और ये तुम्हारा ट्रांसमिट के लिए, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। ठीक है भैया, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।